नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्री और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द मिश्री शो। हॉलीवुड की वही लव स्टोरी घिसी पिटी कहानी की अपेक्षा आज लोग रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवीज आजकल ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी ही रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी अभिषेक बच्चन की मूवी 10वीं रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद 12th की परीक्षा की पास की थी जब उनकी एज 82 इयर्स थी। और बड़ी बात यह है कि जेल में रहते हुए, क्योंकि उन पर शिक्षक भर्ती का स्कैम का केस था, चल रहा था। ऐसी सिमिलैरिटीज ट्रेलर में देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत में एक जाट नेता को अपने नेता होने पर घमंड साफ झलकता है जब वो कहते हैं कि जेल का गेट पूरा खोलो। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। और वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन की वाइफ को सीएम बनने का चस्का लग चुका है, तो ऐसे जाहिर होता है कि शायद उनकी वाइफ खुद उनके अगेंस्ट दिखें, मे बी। और वहीं पढ़ी लिखी आईपीएस का किरदार निभा रही यामी गौतम, इनका मुझे इस मूवी में बोलने का एक्सेंट बहुत पसंद आया। और इनका वो जो साइको एक्ट जो इन्होंने आ थर्सडे मूवी में किया था वो तो प्रशंसनीय है। अद्वितीय एक्ट किया था इन्होंने। मूवी का नाम 10वीं है, तो आम मूवीज़ की तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार फेल हो जाने के बाद डायरेक्टर तुषार जलोटा इनको अंत में पास कर ही देंगे, मे बी, शायद ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। डायरेक्टर तुषार जलोटा जी ने जो कॉमेडी और इमोशंस का तालमेल बैठाया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और अभिषेक बच्चन की लास्ट चार मूवीज़ जिसमें उनकी एक्टिंग काफ़ी ठीक रही है, हर एक में डिफरेंट रोल्स में दिखे हैं। मूवीज़ जैसे कि बॉब बिस्वास, बिग बुल, लूडो, फंटास्टिक मूवी है, बहुत पसंद आई मुझे। एंड ब्रीट इन टू द शेडो मैंने सारी नहीं देखी हैं, फिर भी ठीक ठाक रेटिंग मिली थी। आपको अभिषेक बच्चन की कौन सी मूवी पसंद आई कमेंट में बताओ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को किसी का बम समझ के बजा दो यार, कितनी बार कह चुका हूँ। ट्रेलर देखकर फैमिली मूवी की वाइब्स आ रही हैं, लेकिन मूवी कैसी होगी शायद 7 अप्रैल को ही पता चलेगा।